तीन चीज बहुत किस्मत से मिला करती है। पहला है पति या पत्नी, दूसरा है औलाद, तीसरा है दोस्त। पति या पत्नी हमारे माता पिता चुनकर देते हैं, औलाद यह हमारे ईश्वर प्रदान करते हैं, और तीसरा जो दोस्त है ये लोग इसको हम खुद चुनते हैं। किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ सोना चाहिए, किसके साथ कैसा कार्य करना चाहिए, चाहे बचपन हो या बुढ़ापा हो या जवान हो, किसी भी वर्ष का उम्र हो, एक दोस्त तो जरूर होती है। यदि कोई मानव जिस तरह का होता है, जिस तरह का कार्य करता है, उसी तरह का उसका दोस्त होता है। यदि कोई मानव राजनीतिक क्षेत्र में, उसका दोस्त राजनीतिक क्षेत्र का ही होगा। यदि कोई मानव धार्मिक क्षेत्र का, उसका दोस्त धार्मिक क्षेत्र का ही होगा। जीवन में दोस्त होना जरूरी है, क्योंकि जो बात हमारे माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, वही बात हमारे दोस्त सिखाते हैं। और एक खास बात यह है कि जो हम अपने बात को माता पिता और गुरु से और घर के परिवारों से नहीं कह पाते, वह बात अपने दोस्त से कह दिया करते हैं। जीवन में दोस्त का बहुत बड़ा महत्व है। अपने साथ दोस्त कैसा होना चाहिए यह डिसाइड खुद जरूर करें, क्योंकि दोस्त एक वैसा रिश्ता है, एक वैसा संबंध है जो चाहिएगा तो हमारा जीवन एक दोस्त के माध्यम से ही एक नीचा पद से ऊंचा पद को प्राप्त करा सकता है, और यदि चाहेगा तो छोटा सा मानव से ऊंचे पद को प्राप्त करने के बाद भी नीचे से गिरा सकता है। वो गिराता है तो उसका दोस्त ही गिराता है, उसका कोई परिवार नहीं गिरा पाता है। उसका दोस्त रहते रहते उसको सारी गहराइयों को जान जाती है, उसको सारी कमजोरियों को जान जाती है। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त परछाई के समान होना चाहिए, जो हमारे साथ कभी ना छोड़े। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त दर्पण की जैसा होना चाहिए, जो हमारे हमारे गुण के अंदर जो भी है जैसा भी है, हमारे शरीर के अंदर जो भी है जैसा भी है, हमारा कैसा विचार है, हमारा स्वभाव कैसा है, वो साफा साफ दिखाई दे, दर्पण की जैसा होना चाहिए। दोस्ती किसे करनी चाहिए? दोस्ती उस मानव के साथ करनी चाहिए जो हमारे में से दोस्त को निकाल दे और अच्छा गुण को डाल दे। दोस्ती उस मानव के साथ करनी चाहिए। दोस्ती किसे करनी चाहिए? दोस्ती गाय के समान दोस्ती करनी चाहिए। गाय जो जहर खाकर भी अमृत दिया करती है, गाय के समान दोस्ती करनी चाहिए, ना कि सर्प जैसा सर्प दूध पीकर भी अमृत विषैला प्रदान करती है। दोस्त जरूर होती है, चाहे किसी प्रकार का दोस्त हो जरूर रखोगे दोस्त, क्योंकि बिना दोस्ती का जीवन नहीं गुजर पाता है। चाहे आप जवान हो तो आपका बुढ़ापा दोस्त होगा, चाहे आप बुढ़ापा है तो आपका बचपन का लड़का का दोस्त होगा, दोस्त होना ही है। लेकिन जैसा ही कोई दोस्त जिस मानव के साथ होता है, उसका स्वभाव उसी तरह का ढल जाता है। जीवन में दोस्ती स्वभाव रूप से करें, सोच समझ कर करें किससे हम दोस्ती करें। यदि कोई वर्षा का बूंद किसी नीम के पास गिरता है ना, तो वो करवा रस बन जाया करती है। यदि किसी गंगा में गिरती है तो वो गंगा जल बन जाती है। यदि किसी कीचड़ में गिरती है तो वो छुआछूत की भावना बन जाती है। और तो यदि किसी इमली के पेड़ पौधा के पास गिरते तो वो खट्टा जल बन जाती है, और यदि किसी ईख के पास गिरते तो एक मीठा रस बन जाती है। दोस्त बनना जरूरी है, दोस्त संभालने का प्रयास करें, दोस्त रिश्तों का चुनना स्वयं खुद करें, दोस्ती खुद चुने, दोस्त का डिसाइड खुद करें। दोस्ती किसे नहीं करनी चाहिए? दोस्ती उस मानव के साथ नहीं करनी चाहिए जो हमारे से धन दौलत के लिए, पैसा के लिए, और तो और सुंदर सूरत के लिए दोस्ती करे, उसके साथ दोस्ती कदापि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की जो दोस्ती करते हैं वो खुद समय के लिए ऐसा दोस्ती रहता है जैसा कि परिवार से सर्वाधिक उससे संबंध होती है, लेकिन एक न एक दिन से टूटना हो टूटती है, और टूटती है तो टूट कर पूरा संसार जानता है कि ये दोनों के बीच में किस चीज का दोस्ती था। पैसा के लिए था कि धन दौलत के लिए था कि सुंदर सूरत के लिए दोस्ती था? दोस्ती करना सीखें, दोस्ती को संभालना अपने खुद का सीखें, दोस्तों का कमजोरियां ना बताएं, दोस्तों से रिश्ता से ज़्यादा मजबूत रखने का प्रयास उनसे सीखें। हमारे दोस्त जीवन में अनंत महत्वपूर्ण विचार रखती है, अनंत सिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।